किया जा रहा है, इसमें इस तरह से करते हैं खाली बॉटल के लिए, प्रयोग का नाम है बोतल में बादल। इस तरह से कर रहा है, बोतल में थोड़ी सी पानी की बूंदें डालनी है। पानी डालने के बाद हल्का सा इसको हिला लेते हैं ताकि पानी की बूंदें बोतल में चिपक जा सके, तो बचा हुआ पानी हम इसे नीचे गिरा देते हैं। अब क्योंकि जल बादलों में जल वाष्प वायु की कारण धूल इत्यादि होती है, तो हम कृत्रिम रूप से उन लोगों का निर्माण यहाँ बोतल में करेंगे। जैसे कि पानी की बूंदें बोतल में दिखाई दे रही है, अब गैसों के लिए हम ये आग जला करके धुआं अंदर कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कृत्रिम गैस बोतल के अंदर बना रहे हैं। अब बोतल के अंदर बादल के जैसे धुंधली गैसें दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि बादल बना हुआ है और पानी की कणें भी दिखाई दे रही है। अब एक ऐसे आकाश से गायब हो जाती है और कैसे भी दिखाई देने लगता है, ये दबाव के कारण देखिएगा हो रहा है। जैसे मैं दबाऊंगा बादल गायब, और जैसे छोड़ूंगा बादल वापस आएगा। अभी गायब हो गया है, उसको रखते वापस पियर का साथ दिखने लगा वैसा, फिर ये बादल आ गए, बादल गायब, बादल आ गए। ऐसा वायुमंडलीय दबाव का दाब जो है, दाब के कारण या मात्रा के कारण किसी प्रकार से दाब बादलों को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ जो गैसें हैं वो जल वाष्प से संघनित जाती है ज्यादा दाब के कारण, वहां आयतन और दाब से ये संघनन हो रहा है और बादल दूर चले जाते हैं, ये छोड़ने से पास आ जाते हैं बादल। इस प्रकार से हम बच्चों को बादलों का बनना आकाश में समझा सकते हैं।